दोस्तों आज तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि हमारी एक मेन प्रेस है जिस प्रेस से मतलब हमारा सारा मेन काम चलता है, उसकी सापट टूट चुकी है। लेकिन सापट क्यों टूटी, क्या वजह थी, उसके साथ साथ इसमें हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था सापट में, अभी कौन सा मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, और हम स्क्रू में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, पावर प्रेस की चाबी में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सारा कुछ हम यहीं पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। डियर टूल रूम फैमिली, आज हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले दो वीडियो में पावर प्रेस के बारे में बात किया था, फिर मैंने सोचा क्यों ना यार इसके बारे में आप लोगों को शेयर किया जाए, क्योंकि जितनी वीडियो वो वाली इंपॉर्टेंट थी उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है। क्योंकि देखिए पावर प्रेस में जो हमारी सापट टूटी है वो हमारी पावर प्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जितने भी ब्लैंक टूल थे या फिर जितने बड़े टूल थे सारा उसी पर चलते थे, उसके बाद छोटे छोटे प्रेसों पर काम हमारा निकल जाता था। अगर वो बंद हो गया इसका मतलब काफ़ी सारा हमारा काम रुक जाता है। हमारे पास एक तरफ देखा जाए तो मेन पावर प्रेस सिर्फ यही है, एक है जो 150 टन की है, बाकी फिर 100 टन की भी है, मतलब काम तो चल रहा है लेकिन कुछ काम ऐसे जो रुक गए हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील हो रहा है, लेकिन यह है कि काम तो हमारा आगे चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जो हमारा जो टूटा हुआ है सापट, वो सापट टूटा क्यों, पहला रीजन तो ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे देखिए कुछ भी काम होता है चलते चलते टूटता बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई बार बार टूट रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। एक तो ये हो गया, फिर हमने मटेरियल कौन सा यूज किया था, अब हम कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं। स्क्रू होता ना जिसमें चूड़ी होती है, जो आप लोग जानते होंगे टाइट करते हैं, चाल कम ज़्यादा करते हैं, वो स्क्रू का मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए। जो चाबी होती है पावर प्रेस की, चाहे वो एल वाली चाबी हुई चाहे वो सीधी वाली चाबी हुई, तो उस चाबी का मटेरियल हम कौन सा यूज करें ताकि उनकी लॉन्ग लाइफ रहे, ये सारा कुछ मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों इसमें मेरा भी एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस वाले अंकल जी आए थे अभी करीब उनकी 55 साल की उम्र है, करीब 30-35 सालों से वो इसी लाइन में रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे से शेयर किया था, मैंने उनसे काफ़ी डीपली सब जानकारी लिया, पूछा भी कि अंकल जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या सही हो सकता है, कौन सा मटेरियल सही होता है, बहुत सारी, और इसका टूटने की वजह क्या है, मतलब हमसे कहाँ पे क्या गलती हुई है या मटेरियल में कहाँ गलती हुई, प्रेस की गलती कहाँ, मतलब बहुत सारी जानकारी हमने वहाँ से इकट्ठी की है सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। दोस्तों बता दूँ एक बात, मुद्दे वाली समझने वाली बात है कि कोई भी चीज़ हो ना तो हर इंसान अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो अंदर की बात है बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। अंकल जी से मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तब जाकर उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें शेयर की, मतलब जो कि जेन्युइन की वो बातें, बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन कर नहीं रहे थे पहले तो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि यार आप लोग यार हमारे फैमिली मेम्बर हो तो आप लोगों के पास सही जानकारी जानी चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात आपको वीडियो एंड तक देखना यार, वीडियो छोटी बनाता हूँ, इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ कि नहीं यार तुम बोरिंग हो जाओ, यार तुम्हारे काम की चीज़ है भाई, काम के 10 मिनट देकर किसी दिन हो सकता है 10,000 बचा सकते हो। जानकारी भी होना जरूरी है, भले आपके पावर प्रेस ना, आप जॉब भी कर रहे हो लेकिन जानकारी तो रखोगे कम से कम, कल वो खड़े होकर बता दो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा हुआ कहाँ से हम कहाँ पहुँचे क्या हुआ। बस वीडियो का एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे मुद्दे वाली बात, ये ना हमारी जो सापट है 150 टन की मेन सापट है। अब यार चलो पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, दो तरह की सापट होती है जो जानते होंगे आप पावर प्रेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है, दो सापट होती है, एक होती है गेयर वाली और एक होती है व्हील वाली। अभी आप सोच रहे होंगे यार गेयर वाला सापट और व्हील वाला सापट ये कौन सा मैटर है, बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो हमारी जो सापट टूटी, जो मेन सापट होती है वो सापट टूटी हुई, ठीक है, वो सापट गेयर वाली होती है। अब गेयर वाले को हम काउंट कैसे करते हैं, जो बड़ा चक्का होता है एक इधर हो गया बड़ा चक्का, एक उस साइड हो गया, ठीक है, तो जो बड़ा चक्का जिसमें गेयर गेयर से कटे हुए हैं तो गेयर वाली सापट हो गई, जो उस साइड का बड़ा वाला चक्का है, छोटे वाली बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, बड़े वाला चक्का है तो वो व्हील है, व्हील वाला एक व्हील वाली सापट हो गई। लेकिन ज़्यादातर जो किचन में टूटता है ना तो गेयर वाला ही सापट टूटता है, क्योंकि सारा लोड तो उस पर होता है, व्हील वाला सापट तो उसको रनिंग करता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, गेयर वाला सापट और व्हील वाला सापट, ठीक है। तो हमारा मेन गेयर वाला सापट टूटा हुआ है, और इसका टूटने का तो जो रीज़न निकल कर आया था काफ़ी ज़्यादा, जो कि हम लोगों को भी आइडिया भी था, मतलब पता भी था, कुछ मेंटेनेंस वाले अंकल जी ने भी गाइड किया था, एक तो ओवरलोड था, सही बता रहा हूँ मैं आपको, कई बार हो चुका है, लेकिन ओवरलोड करीब 200 टन की पावर प्रेस की रिक्वायरमेंट के, जहाँ पे हम 150 टन पे काम कर रहे हैं, एक तो गलती है, ठीक है, ये गलती है हमारी कि हम उस पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप जैसे मतलब कुछ गलतियाँ और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो कि हमारी मेन गलती है तो थी, बाकी मटेरियल के बारे में बताऊँगा, मैं बताऊँगा भाई कौन सा मटेरियल यूज़ करता है उसमें हमारे ज़्यादा चांसेस थे। और इसके साथ साथ जैसे अभी डेड हो गया, ओवरलोड हो गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादातर सापट पे लोड, क्यों सारा लोड तो सापट पे आना भाई, कोई चीज़ तुम डेड कर रहे हो, डेड कर रहे हो तो ये सापट है, किस पे जा रहा जोर, किस पे जा रहा जोर, इस पे जा रहा ना जोर, तो टूटेगा कौन, यही तो टूटेगा ना, तो बस ये ओवरलोड की बात हो गई, या फिर आपने डेड स्टॉक मारा, ये डेड स्टॉक ओवरलोड में ये चला जाता है। तो कुल मिलाकर ओवरलोड का सबसे बड़ा पंगा हमारे साथ यही रहा है।
अब सबसे बड़ी बात ये आती है, हमने दो तीन बार जो हमारे साथ टूटा था हमने मेटेरियल कौन यूज किया था। देखिए हम ज़्यादातर मेटेरियल EN8 यूज कर लेते हैं, ज़्यादातर जो अंकल ने बताया था EN8 यूज कर लेते हैं, लेकिन EN8 यूज नहीं करना चाहिए। EN8 की जगह पर आप EN24 यूज कीजिए। अब EN24 और EN8 में क्या डिफरेंस है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, थोड़ा सा मतलब हिंट देता हूँ। EN8 मान लीजिए कि ये हार्ड है, ठीक है, मतलब ये हार्ड है, उससे EN24 से प्लस में थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर इस पे चोट लगेगी तो ये झेलेगा नहीं और ऐसे टूट जाएगा। अगर EN24 है उसके अंदर लचक होती है तो क्या होता है, हल्का सा वो झेल लेगा, जब वो झेल लेगा तो झेल लेगा, इसका मतलब थोड़ा चल सकता है। फिलहाल में हमने इससे पहले EN8 यूज किया, लेकिन दो बार हमने EN24 यूज किया था, लेकिन जो हमारा परफॉर्मेंस रही वो EN8 से EN24 की ज़्यादा अच्छी रही। लेकिन इस बार हमने सोचा कि यार इससे भी बेटर कुछ हो सकता है क्या। फिर हमने अंकल जी से पूछा, मेंटेनेंस वाले अंकल जी से पूछा, कुछ लोगों से और राय सलाह किया, तो उन्होंने हमें जो फाइनल सजेस्ट किया, अगर आपको रेलवे का अगर एक्सल मिल जाए उसकी सापट बनवाओ तो आपकी लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे ना, कई बार कुछ काम पड़ता है हम लोग क्या कहते हैं, कमानी का मेटेरियल मिल जाएगा क्या। कमानी के मेटेरियल मजबूत भी होता है, लचक होती है उसमें, वो झेल लेता है, जानते होंगे आप लोग, बहुत कॉमन सी बात हमारे मुँह से निकलती है, कमानी का मेटेरियल। इसी तरीके से रेलवे का अगर एक्सल मिल जाए तो भाई कहना ही क्या है, क्योंकि उसके अंदर मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है, लचक भी होती है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मटेरियल है ये। मैंने बहुत सारी चीज़ें और जानकारी ली, भाई मटेरियल मिलेगा कहाँ से, ये भी ज़्यादा जरूरी बात है ना भाई, कह तो दिया मैंने ऐसे, लेकिन मैंने उनसे ये भी जानकारी ली तो ही बता दूंगा आपको। अब इस वाले मटेरियल से मैंने पूछा अंकल जी इसमें भाई क्या फ़ायदा होगा, उन्होंने बताया कि ये मटेरियल सबसे पहली बात तो EN24 से सस्ता होता है। उन्होंने एवरेज की बात किया जाए कि जहाँ अगर वो 100 रुपये किलो होगा तो ये तुम्हें 60 या 65 रुपये किलो मिल जाएगा, सबसे पहली बात तो सस्ता हुआ। अब मजबूती उससे ज़्यादा है, उससे 1.5 गुना इससे ज़्यादा मजबूती ज़्यादा है, ये भी उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया था। हालांकि हमारी जो सापड़ बन रही थी वो करीब करीब 28,000 रुपये के आसपास की बन रही थी, ठीक है, अगर हम EN24 या EN8 वगैरह परचेस करते कम से मुझे लगता है कि 40,000 रुपये के आसपास पड़ जाते, यानी कि कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया, जो कि आपके सामने हो तो आपने देख ही लिया, तो कॉस्ट का मेन फर्क हो गया। दूसरी बात, इससे कई गुना ज़्यादा वो मजबूत है, क्योंकि इसके अंदर लचकपन है, लचकपन से ये फायदा होता है कि वो झेल सकती है। लेकिन कोई चीज़ में अगर लचकपन नहीं रहता ना तो भाई साहब वो सीधी सी बात है यार, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो ऐसे, और ये क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो ये झेल लेगा, ठीक है, ये झेल लेगा, यही उसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ये। अब दूसरी मुद्दे वाली बात ये आती है कि वो मिलेगा कहाँ पे। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी क्या हम किसी मटेरियल वाले को बोल दें कि भैया वो हमें एक्सल का मटेरियल दे दे, रेलवे का दे देगा क्या? कह रहे नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, ना मिलने के पीछे एक वजह है, जैसे रेलवे का जो भी काम वगैरह होता है कई बार स्क्रैप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से मतलब जो ठेकेदार होते हैं पूरा लोट उठाते हैं, मतलब इकट्ठा ही उठाते हैं, तो जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं अगर उनसे कॉन्टैक्ट करोगे आप तो वहाँ से मिल जाता है। तो अंकल जी ने ही हमें दिलवाया था, हालांकि उनका क्योंकि उनका रेफरेंस तो जानते ही, और मेंटेनेंस वाले को घूमना फिरना ये सब चलता रहता है, पुरानी पावर प्रेसों को उठाना, पूरा कोई सेट खाली हो रहा है सेट को उठाना, तो इस वजह से उनका कॉन्टैक्ट अच्छा खासा था, तो उन्होंने हमें बताया, सजेस्ट किया वहाँ जाओ, वहाँ पे उनसे बात करो, उनसे मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमने इस तरीके से रेलवे के एक्सल का मटेरियल हमें मिल गया था, मतलब पूरा मटेरियल मिल गया था, उस मटेरियल को मंगवा के हमने इस पर सापड़ बनवाई है, ठीक है, इस बार सापड़ बनवाई है। इससे पहले हम लोग EN8 स्टार्टिंग में, फिर EN24 यूज किया, अब तो उससे अच्छा मटेरियल समझ के हमने एक्सल यूज किया। अब देखते हैं क्या इसका मतलब रिजल्ट निकल कर आता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर होंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ओवरलोड की वजह से, दूसरी बात ये टूटने के रीज़न जो हमने बता दिया आपको, और जो इस बार मटेरियल हम यूज कर रहे हैं रेलवे का एक्सल, और जिस तरीके से मिलेगा मैंने आपको बता दिया। अब आप ये मत कह देना नहीं यार अंकल जी हमें फ़ोन नंबर दे दो, या फिर आप ये कह देना यार मटेरियल कहाँ मिलेगा, जो मेरे पास जानकारी है पर्सनली, जितना मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी सोचता हूँ ना, मेरे अंदर भी क्वेश्चन तो बनते हैं यार कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये जो जानकारी मैं ले रहा हूँ मेरे अंदर क्वेश्चन बना, आपके अंदर क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले से ही ये सब चीज़ें लेकर चलता हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। अब बात ये मैटर के लिए क्लियर हो गया, एक्सल मेटेरियल आप यूज़ करें बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं, जब मैंने उनसे पूछा अंकल जी जो हमारी पावर प्रेस में चाबी होती है, चाबी एल वाली या ओ वाली चाबी, तो वो चाबी हम कौन सी यूज करें सही रहेगी, तो अंकल जी ने मेरे से क्या कहा, जब आप नई पावर प्रेस खरीदोगे ना तो उसमें EN8 का मटेरियल यूज होता है, ध्यान रखिएगा EN8 का मटेरियल यूज होकर आता है, लेकिन जब आप उसको टूट जाएगी तो आप EN24 का यूज कीजिए, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है,
जैसा कि ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में चाबी को बनाते समय भी दिखाया था, ये बात आपको पता होगी, मैंने प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल चाबी को बनाते हुए दिखाया था कि चाबी बनती कैसी है। इसके साथ साथ मैंने वहाँ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, EN24, ठीक है। और जो स्क्रू होता है, स्क्रू में भी EN24 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे आप EN8 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे जितनी जानकारियाँ मिली थी वो सारी जानकारियाँ मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, ठीक है। इतनी जानकारियाँ जो मैं कलेक्ट कर पाया था, जो कि हमारे पावर प्रेस के रिकॉर्डिंग है, जो कि सापड़ को लेकर हैं। बाकी और भी कोई क्वेरीज हो, और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास मेरे से अच्छी जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि एक दूसरों की जानकारी हमारे बहुत काम में आ सकती है। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।